करोड़ों लोगों के लिए जिस प्रकार से प्रावधान किया गया है, ये मोदी है तो मुमकिन है, और ये युवाओं का बजट है, ये सिंपल आपने सिंपल को आखिरी दस सेकंड पहले, क्योंकि देखिए तहसीन पूनावाला बोलेंगे मिडिल क्लास के विरोधी बजट है, पहले मिडिल क्लास रूबिका जी आपको और मुझे अगर 10 लाख की इनकम होती थी ना तो 20% टैक्स देना पड़ता था। मोदी जी ने 7.5 लाख तक के टैक्स पर जीरो टैक्स कर दिया है, ये मोदी जी ने किया है। पहले 5 से 10 लाख की इनकम थी ना रूबिका हमारी, तो 20% टैक्स। आपकी बातों को आज तो 7.75 लाख तक नोट पकड़ रहे हैं, जरा उनसे पूछ लेती हूँ क्यों पकड़ा माथा वो माथा तहसीन पूनावाला। रूबिका जी ये बजट को सबसे पहले तो मैं निर्मला सीतारमन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, 7वां बजट उन्होंने प्रस्तुत किया और एक महिला होते इन्होंने ग्लास सीलिंग तोड़ी, जैसे आप एक महिला होते एंकर है तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं भारत आगे बढ़े, मैं जो क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ उस मकसद से कर रहा हूँ कि मेरे देश के और मेरे देश के लोग आगे बढ़े। मिडिल क्लास को इस बजट ने, मैं इस बजट को मैड बजट कहता हूँ, मैड मिडिल क्लास और डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट कर दिया मिडिल क्लास को। जिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की तारीफ भाजपा के प्रवक्ता मेरे बाताश्री कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मार्केट क्रैश हो गया। क्या बात कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पहले आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लाया, इसलिए लाया क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफसेट करना था, उसके बाद आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया आज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाकर आपने मार्केट को नष्ट कर दिया। उसके अलावा इंडेक्सेशन जो रियल एस्टेट पे था, मैं सिंपल भाषा में आपके दर्शकों को समझाता हूं, रुकिए एक सेकंड। हां मैं रोकूंगी नहीं, रोकूंगी बस एक चीज, आप ही तो लोग हैं, आप ही तो नेता राहुल गांधी हैं जो कहते हैं अमीरों को कब तक बचाओगे, अमीरों को देखो कब तक बचाओगे, अमीरों के लिए ये सरकार है, और आज जब सुपर रिच से आप वो पैसा लेने ले रहे हैं और गरीबों में बांट रहे हैं या योजनाओं में बांट रहे हैं, तो आप कह रहे हैं खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। रूबिका जी शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं या पता नहीं आपको, आप वो मैं दोबारा से कहता हूँ, ये एंटी मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास सुपर रिच नहीं। इस देश में अगर कोई वर्क ट्रस्ट है वो देश का मिडिल क्लास है। आपको मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, कोविड के समय ये तहसीन पूनावाला ने जीएसटी भरा ऑक्सीजन में, ये सरकार ने किस पे जीएसटी नहीं लिया, कफन से लेते ऑक्सीजन पे सरकार टैक्स लेती है, लेकिन आज टैक्स स्लैब तो आपने चेंज नहीं किया। हाँ। उल्टा जो टैक्स डिडक्शन था, जो 50,000 था उसको 75,000 करते, कितने की आराधी, 2,000 रुपया महीना। लेकिन एक मेन चीज मैं कहते अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ, ये जो रियल एस्टेट इंडेक्सेशन सरकार ने खत्म किया है, इससे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, इससे सारा कैश वापस रियल एस्टेट मार्केट में। एक और बड़ी खबर आ गई है, इस नीट पेपर लीक मामले पर आप लगातार बोलते रहे हैं और एक बड़ी खबर आ गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है नीट पेपर लीक मामले में, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, दलीलें जज साहब के सामने रख दी गई है, अब नीट पेपर लीक मामले में क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाता है, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है क्योंकि ये देश के मुस्तकबिल का सवाल है। लेकिन आज की खबर यह है कि सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। तहसीन आपने कहा कि मिडिल क्लास को पूरी तरह से नेस्त नाबूद, तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। सत्यप्रकाश जी आपका तो बम्बम है भाई, आपको खुश रखने के लिए बिहार को भरमार दे दिया और बाकी सब आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ना दिया हमें। ऐसा नहीं, हिमाचल प्रदेश को मिला तो क्यों नहीं तहसीन पूनावाला ने स्वागत किया कि पूरे उसको कंप्लीट बनाने के लिए उसको एक पैकेज दिया गया। तहसीन जी के को लगा कि बस मिडिल क्लास, एक बात समझिए, राहुल गांधी को मैं नहीं पता कि उनको बजट समझ आता नहीं आता, तहसीन जी को आता होगा। इस बजट ने भारत में विकसित भारत का गेट खटखटाया नहीं, खोला है हर राज्य को। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिएगा तो बताएंगे। आप समझिए जिस देश के हाँ। 1 करोड़ लोगों को हाँ। 500 बड़ी कंपनी में हाँ। युवाओं को हाँ। इंटर्नशिप करने के लिए 5,000 रुपया दिया जाएगा अच्छा। उससे कैसा स्किल डेवलप होगा और कैसा अच्छा। भारत निर्माण होगा अच्छा। जिस राज्य पूर्वोदय दिनों के लिए कितने दिनों के लिए नहीं, आप इस चीज को क्यों समझ रहे दिनों के लिए इंटर्नशिप को आप क्या चाहते हैं 5 साल के लिए इंटर्नशिप 5 साल होता है, रोजगार देने का प्लान नहीं है, नहीं इंटर्नशिप 5 साल नहीं होता है, कितने दिनों के लिए आप दो चीज और समझिए, योजना लाए थे 4 साल के लिए, आप इंटर्नशिप लाए हो कितने दिन के लिए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना साल बताइए बताइए ना, 9 बिंदुओं पर अगर बजट फोकस है 2 महीने की होगी 11-3 महीने की होगी 4 महीने की, साल 1.5 साल अनुराग
आप दोनों रुक जाइए। अनुराग भदौरिया बस इतना बता दीजिए कि जो सरकार का ये फैसला है उससे आपको आपत्ति है? युवाओं को इंटर्नशिप नहीं दी जानी चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जाएगा, उनको परमानेंट नौकरी, मैं कह रहा हूँ उनको परमानेंट नौकरी क्यों नहीं दी जाएगी? क्या सरकार ये नहीं बोल सकती थी कि नहीं इंटर्नशिप के बाद उनको परमानेंट नौकरी देंगे? यही तो लाइन ऐड करनी थी। इंटर्न करने के बाद आप क्या करवाओगे उनको? उसके बाद फिर उनको रोजगार कर दोगे? आप बोलिए कि नहीं, आप बोलिए अगर किसका है उसको अगर इंटर्नशिप मिल रहा है, आप अपने अनुराग को हो रहा है। समाजवादी पार्टी और राजद जैसी पार्टी चाहती है कि इस देश का युवा विकसित हो, परिवार विकसित हो, बस इतना ही चाहती है। अगर आपको थोड़ा धैर्य है, पढ़े लिखे हैं, समझिए लोग हैं जो एक एक घूम रहे देश के अंदर, सारे खर्च होगा। सर आज बजट पर डिबेट हो रहा है, बच्चे घूम रहे हैं, क्यों आप रुक जाइए ना, ऐसे करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। और आप ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले शांत हो जाइए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। शांत हो जाइए, फिर मैं आपका रुक जाऊंगा। ना रुक जाइए, एक बार आपको मौका मिलेगी, पर अभी रुक जाइए, मौका मिलेगा आपको, रुक जाइए। इनसे पूछे बिहार में, मैं पूछ लूंगी, आप मुझे मत बताइए क्या पैसा लिया है। पुल तो बनाते हैं ये, फिर इनका पुल गिर जाता है, तो फिर क्या पुल गिराने के पैसे? ठीक है, आप उनको बात रखने दीजिए, उसके बाद आपकी बात होगी। आवाज मैं आपकी कम कर रही हूं, आवाज आपकी कम कर रही हूं। सत्यप्रकाश जी बात खत्म। दो में इस बजट को सबसे पहली बार ये देखा गया कि भारत के विकसित भारत का गेट खोलने वाला बजट है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 11.11 करोड़, रुक जाइए, अगर युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को अगर स्किल डेवलपमेंट में अगर 5,000 दे करके हम ट्रेनिंग देते हैं और 10 लाख रुपए उनको पढ़ने के लिए देते हैं, राष्ट्र का युवा विकसित होगा। 2 करोड़ रोजगार बोला गया। जा रही हूँ, तब तक नहीं आऊंगी जब तक आप दोनों चुप नहीं हो जाते हैं। शक्ति सिंह यादव को स्क्रीन पर लाइए। शक्ति सिंह यादव जी, नहीं एक सेकंड, अनुराग ना, पहले ना, बिल्कुल नहीं दूंगी जब तक आप शांति से दूसरों को सुनेंगे नहीं। मैं आपका रुक नहीं दूंगी। शक्ति सिंह यादव जी, बिहार को जो इस बार सौगात मिली है, क्या वो सरकार बचाने के तहत मिली है या वाकई बिहार की को आगे ले जाने के लिए नीतीश बाबू ने इनको कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि टेबल पर बैठ के समझा दिया है कि भाई देखिए आप हमारे बिहार के लिए कीजिए, हम आपका साथ देंगे।